Hello, good morning student. Now I am going to start division lesson in lesson 1 evolution of computer which is related to our history of computer class 5. In this lesson we are study about the component which is invented in previous time. The computer we are today used today are the very different from the early devices that were invented for the doing calculation. As the computer or devices, earlier devices उससे काफ़ी डिफरेंट है और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट है तो अब हम इसके बारे में लेटेस्ट लर्न और द सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेशन कैलकुलेटिंग डिवाइसेस तो अब हम कुछ अर्ली पहले के जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे जैसे आपने एवैक्स का नाम सुना होगा ब्लेस पास्कल लाइन पास्कल एडिंग मशीन के बारे में आपने सुना होगा तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम एवेक्स के बारे में जान लें द चाइनीज इन्वेंटेड अ मशीन चाइना के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मशीन का इन्वेंसन किया जिसका नाम रखा अवेकस इट वॉज द फर्स्ट द मशीन यूज फॉर कैलकुलेशन यह पहली मशीन थी जो कि कैलकुलेशन के पर्पज से यूज़ किया जाता था द परपज वॉज टू काउंट द ओल्ड एवेकस वज द मेड ऑफ़ एसटोन इट इज़ द नाओ द मेड ऑफ़ स्टेग इन बीट्स पहले का जो होता था अब वो स्टोन की बनी होती थी लेकिन अब इसमें स्टिंग और वेट्स लगे होते हैं स्ट्रिंग जिसको हम तार बोलते हैं वेट्स जिसमें मोती बोलते हैं आप ऐसा पिक्चर में देख सकते हो कि मोती लगी हुई है इस तरह का बना होता था नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल लाइन पास्कल लाइन के बारे में बात करेंगे पास्कल लाइन जो पास्कल एडिंग मशीन है इससे पता चलता है कि ये मशीन जो है ना बिलेस पास्कल के द्वारा ही बनाई गई है नेम से ही इसलिए इसका नेम जो है पास्कल एडिंग मशीन रखा गया है वो 1642 में बिलेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया एक परफॉर्मेंस डिफ़िकल्ट एडिंग एंड सब इनका जो परफॉर्मेंस है इस मशीन का वो डिफिकल्ट जो भी सब्टशन और एडिशन है उसके कैलकुलेशन में किया जाता है द पास कैलिवेंटर द मशीन एट ऑफ एटीन जब वो अट्ठारह साल के थे तभी इस मशीन का इन्वेंशन कर दिया था असिस्ट इज द फादर इन द कैलकुलेशन फॉर द टैक्स कलेक्टेड इट इज देंगुलर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विज द व्हील्स ऑन इट ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और इसके अंदर एक व्हील लगी होती है व्हील पे नंबर के अकॉर्डिंग वो मूव करता है उसके अकॉर्डिंग एडिंग होता है यहाँ पूरी तरह से पिक्चर में नहीं दिखाया गया बट आप देख सकते हो और नेक्स्ट क्लास में आप आ, को इसके बारे में डीपली पढ़ने को मिलेगा आप वहाँ जान सकते हो इसके बाद है लेबनिस कैलकुलेटर लैबनेस कैलकुलेटर गॉड फ्रेंड लैबनिस ने जो जर्मन मैथेमेटिशन थे उन्होंने इसका इन्वेंशन किया और ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस ही है इसमें भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन सब्जेक्शन मल्टीप्लिकेशन तो ये सारे चीज़ कर सकते हैं इसमें स्टेप ड्रम बना होता है काउंटिंग व्हील बना होता है उसके ऊपर तिथ बनी होती है और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में एनालिटिकल इंजन की जब भी भी नेम आता है तो आप लोगों को मालूम है कि चार्ल्स वेग जो थे वो पहले ऐसे थे साइंटिस्ट जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया तो इस वीडियोस में आप जानेंगे एनालिटिकल इंजन के बारे में 1837 में चार्ल्स बी डिज़ाइन किया एनालिटिकल मशीन एक मशीन पहली मशीन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कैंप्यूटर आउट ऑफ इट्स दूड टू द डिफिकल्ट कैलकुलेशन या डिफिकल्ट कैलकुलेशन को कर सकते थे करता था और मैकेनिकल कंप्यूटर द बेज द ऑपरेटेड मैनुअली मैनुअली इसका ऑपरेट किया जाता था दिन हैड इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग सिस्टम एज इन द मॉडर्न कम्प्यूटर उस टाइम में मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में यहाँ पर इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था जिसके बारे में हम लोग पढ़ा है, वो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के बारे में आई पी ओ साइकिल के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ा है और जान रखा है नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइसेस, एन आई ए सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर द फुलॉर्म ऑफ दिस इज इन द नाइनटीन फोटी सिक्स जॉन मोकलियन प्रिस्पर इकट ऑफ द यू एस ए डिज़ाइन द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह की डिज़ाइन की गई थी जॉन मोकलियो प्रिस्पर इकट के द्वारा नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यूनिवेक फर्स्ट जो कि यूनिवेक ऑटोमेटिक कम्प्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कम्प्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है ये द फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर डेवलप इन ईयर नाइनटीन फिफ्टी वन बाई द ए एन आई एस सी इन इन्वेटर इन्वेंटर्स तो ये कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर है जो कि नाइनटीन फिफ्टी वन में डिज़ाइन किया गया था और प्रेसभा कट और जॉन मॉकली ये दोनों ही ने इनका इन्वेंशन किया जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ए एन आई ए सी जो कंप्यूटर है उसका इन्वेंशन किया उन्होंने इसका भी इन्वेंशन किया नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तो किस तरह से हमारे बीच कंप्यूटर आई सबसे पहले कौन सी कंप्यूटर आई फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ फिर कौन सी कंप्यूटर आई उसके बारे में तो फर्स्ट जनरेशन माना जाता है नाइनटीन फोटी से लेकर फिफ्टी सिक्स तक के पीरियड को इसमें जो पी एस कैम कम्पोनेंट था कंप्यूटर का वो था वैक्यूम ट्यूब और इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया जिसमें ये सारे कम्प्यूटर का इन्वेंशन किया गया था ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे गए हैं इसकी जो करेक्टराइटिस हैं उसमें यूज इन साइज साइज में बड़ा होता था स्मॉल मेमोरी मेमोरी भी बहुत छोटा होता था स्लो स्पीड स्पीड इसकी बहुत कम होती थी हाई पावर कंजक्शन, ये ज़्यादा पावर को कंजप्ट करता था और यूज़ ऑफ द मशीन लैंग्वेज और मशीन की एक अपनी लैंग्वेज होती है तो ये मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके यूज़ होता था इसका इसके बाद है सेकेंड स्टोर, सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 फिफ्टी सिक्स है सिक्सटी थ्री तक रहा और इसके मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर रहा जिसका आई बी एम फोर्टी जीरो वन और यूनिबैक फर्स्ट आप देख सकते एग्जांपल के तौर पे तो स्मॉल इन साइज फास्ट एंड चीप साइज़ में ये स्मॉल होता था थोड़ा फास्ट होता था और चीप थोड़ी सस्ती भी होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग द मोर स्टोरेज कैपेसिटी एंड मोर पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कुछ ज़्यादा होता था फर्स्ट के अकॉर्डिंग और मोर पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे इसमें पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था और ये जो कंप्यूटर है असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज़ इसमें पहली बार किया गया इसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1963 से 71 तक के पीरियड को कहा जाता था इसका जो मेन कंपोनेंट है वो इंटरग्रेटेड सर्किट जिसको हम शॉर्ट में आईसी बोलते हैं आईबीएम 360 सीरीज और आईबीएम 370 सीरीज ये इसके एग्जांपल है ये कंप्यूटर्स हैं जो कि हुआ करती थी ये मॉडल नेम है स्मॉल इन साइज लेस पावर कंजशन साइज में छोटा होता था पावर कम इसमें लगता था और इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी इसके स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाई गई लेस हीट जनरेशन और इसमें जो है हीट जो है बहुत ही कम मात्रा में क्रिएट होता था जनरेट होता था इसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1971 से अभी तक प्रेजेंट एज में चल रहा है इसके मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर है और इसका एग्जांपल आप डेस्कटॉप लैपटॉप या टैबलेट आपको देखने को मिलता है टुडे वी आर आल्सो द यूज दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर द ग्रेट कंप्यूटिंग पावर इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है और बढ़िया है द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कैपेसिटी भी इसकी लार्ज है आप आज के डेट में हम टेरा वाइट वाइट तक की कैपेसिटी को हम लोड कर सकते हैं मेमोरी को तो यूनिक स्टोरेज डिवाइसेस एट लेस कॉस्ट और कम खर्च पे ही हम यूनिक स्टोरेज डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं जैसे मेमोरी कार्ड पेन कार्ड सीडी ड्राइव तो ये सारी चीज़ जो है हमारा है स्टोरेज डिवाइसेस इसके बाद है इसके बाद आप देख सकते हैं फ्यूथ जनरेशन कंप्यूटर जो कि प्रेजेंट से स्ट्यूट शायद आगे भी चलता रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसका जो मेन कैपेसिटी है मेन जो कंपोनेंट है इसका यूज़ किया गया और इसी के कारण रोबोट वगैरह आप देख सकते हो या फिर सुपर कंप्यूटर इसके बेस्ट एग्जांपल है देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है कैपेसिटी जो स्टोरेज की वो भी हाई है वॉइस रिकोगनाइजेशन इसके एक फीचर्स है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं द लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट और ये लार्ज मेमोरी कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है द मोर यूजर फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली ये बहुत ही ज़्यादा है तो ये आपका लेशन रहा और आप लोगों ने लेसन वन में सभी के बारे में पढ़ा और इन प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है तो आप वहाँ भी जा करके के आप इसको देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर है, जरा सा मैं देख लो, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक रेस खाली स्थान है वाज द फर्स्ट द मशीन यूज फॉर कैलकुलेटिंग तो आप जानते ही हो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन है जिसको हम यूज़ किए हैं डिज़ाइन द फर्स्ट मशीन मैकेनिकल डिज़ाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में डिज़ाइन किया गया कौन किसने डिज़ाइन किया चार्ल्स वेविस आप जानते हो द कंपोनेंट यूज इन द फोर कंप्यूटर फोर्थ जेनरेशन में जो कंपोनेंट यूज़ की गई है वो माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं तो उसकी यूज़ की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सपोर्टेड बाय ये फोर्थ जनरेशन की बात की जा रही है तो आप इसको देख सकते हैं ट्रू फॉल्स में द लैबनेस कैलकुलेटर वर्क ऑन टेस्टिंग एंड द बीट्स लैबनेस कैलकुलेटर तो ये फॉल्स होगा क्योंकि इसका यूज़ एवेक्स में होता था तो यहाँ आप, आप इसको फुल्स कर सकते हो इसके बाद यूनिवैक वन वाज़ द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यूनिवैक फर्स्ट जो है पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है तो ये ट्रू होगा आप इसको ट्रू कर सकते हो ये आप ट्रू आप यहाँ कर सकते हो तो बेसिक ई डी एस ए सी वॉज द यूज इन साइज साइज में ये बड़ा होता है ये भी सही है इसको भी आप ट्रू कर सकते हो तो ये भी सही है ट्रांजिस्टर वे यूज इन द फोर जी फोर जी से, से में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था ये गलत है ट्रांजिस्टर का यूज़ फोर जिन कंप्यूटर में नहीं की गई थी तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी देखा और ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसका आपने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है तो आप वहाँ जा कर के एक आप डिवाइस कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू